तो ये वीवो का V9 है, V9 और V9 यूथ सेम मॉडल ही आते हैं दोनों। और इसमें ये हो रहा है कि ये कहीं दिखाया है इसको, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये बोल रहे हैं कि हमने कहीं शॉप पे दिखाया था, ये पीछे स्टिकर लगा हुआ, हालांकि मैंने नंबर लिखे हैं इसके ऊपर। तो ये बोल रहा है कि इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है, और इसमें बता देता हूँ एक बार, आप अभी नेटवर्क देखेंगे तो कुछ भी नहीं आ रहा, देखिए कोई नेटवर्क नहीं है इसके अंदर। और कस्टमर बोल रहा है ऑटोमेटिकली इसका नेटवर्क गायब हो गया, तो दिखाया लेकिन हुआ नहीं है। तो इसमें हो गया इसका रेडियो ऑफ, मैंने चेक किया, क्योंकि जब अपन सर्चिंग में जाके नेटवर्क के इसमें जाते हैं, अरे यार वो ये नॉइज़ी हो ना, इसमें मोबाइल नेटवर्क, सिम कार्ड, जैसे 2G 3G 4G जो भी आएगा तो इसमें आ जाएगा। यहाँ पे अपन ऑफ करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं, देखते हैं इसमें कोई नेटवर्क आता है या नहीं आता है। जहाँ तक इसमें रेडियो आई थी कि ये देखो एरर विल सर्चिंग फॉर नेटवर्क, इसमें रेडियो ऑफ हो गया है। और अभी अपन इसका रेडियो चेंज करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इसका रेडियो है ये, मैं इसको चेंज करूँगा अभी, इसको मैंने ये उतार दिया बोर्ड को। अभी अभी थोड़ा मैं अपना कैमरा है जो सेट कर देता हूँ पहले। इसमें कोई भी एसेसरीज हो उसको निकाल लेना, नहीं तो इससे क्या होता है कि आपकी जो हीटिंग पड़ती है तब बोर्ड पे, तब ये क्या कैमरे वैमरे ब्लर हो जाते हैं, इसलिए आपको इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, नहीं तो फिर आप क्या है कि जो काम करने जाएंगे और बढ़ जाएगा काम। सबसे पहले इसका रेडियो निकाल लेता हूँ मैं, अभी मैंने इसका रेडियो निकाल दिया है, रेडियो आईसी को निकाल दिया है मैंने। ठीक है, इसमें अब अपन नया रेडियो आईसी लगा देते हैं। एक बार इसको मैं बोर्ड को पूरा साफ साफ सफाई कर लेता हूँ, तब तक वीडियो थोड़ा लंबा नहीं बने, इसलिए वीडियो थोड़ा छोटा ही रहे, इसलिए अपन इसको स्टॉप कर देते हैं वीडियो को। आप देखेंगे तो इसको मैंने क्लीन कर दिया है अभी, अब इसमें मैं आईसी रिप्लेस कर देता हूँ। ये मैंने आईसी चेंज की है, ना कि वही डाली है, ठीक है ना, चेंज की है इसको मैंने, मेरे पास पड़ी हुई है तो मैंने इसको रिबॉल, इसलिए कि कभी कभी नए में बॉल सही नहीं आता। ये देखिए दूसरा ही रहा, चेंज ही कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं,
ऐसे लगाओ, तब थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको सेट करने में। इसको सेट कर देता हूँ एक बार में, फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आईसी को मैंने अभी सेट कर दिया है, दोस्तों वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। अभी आईसी लग गई है, थोड़ी ठंडी हो जाती है, फिर देखते हैं, तब तक वीडियो स्टॉप कर देते हैं। अभी मैंने इसको ऑन कर दिया है, अब देखते हैं क्या होता है। अभी फ्रेंड्स आपको बताऊंगा, देखिए अभी नेटवर्क आ गया है, थोड़ा एंटीना वेंटीना अभी लगे हुए नहीं है नीचे, इसलिए ये प्रॉपर नेटवर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि 4G का यहाँ पर आइडिया कम आता है। ये फिर भी 3 डंडे आ रहे हैं इसमें, और इस साइड अभी कम्प्लीट हो गया, आपको दिख रहा होगा, देखिए वोल्टेज लिखा हुआ आ रहा है इस साइड में, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं बिल्कुल ही थोड़ा सा। और उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपको, क्योंकि सारी चीज़ें अपन दिखा नहीं सकते हैं आपको, क्योंकि उतना अपने पास सुविधाजनक कैमरे नहीं है कि आपको सारी चीज़ें दिखा सकूं। और कोशिश करेंगे अच्छे और आने वाले टाइम में थोड़ा अच्छा करें, लेकिन हाल फिलहाल में टाइम नहीं मिलने की वजह से थोड़े वीडियो कम बन पाते हैं, क्योंकि मैं हर एक मोबाइल के वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, क्योंकि बहुत कम। हाँ, ये मुझे लगता है कि ये वीडियो लेने लायक है तो ही मैं वीडियो लेता हूँ, बाकी मैं वीडियो नहीं लेता हूँ। ऐसा नहीं रहता है कि ये फटाक से किया और हो गया, बहुत सारे फ़ोन ऐसे आते हैं कि उनको 3-3, 4-4 दिन में बनाना पड़ता है उनको, क्योंकि अपने पास उतना टाइम नहीं रहता है कि उनको एक साथ देखो। कभी CPU खोला, EMC एक साथ खोल दिया, फिर एक दिन पावर वावर ये देख लिया, ऐसा ऐसा भी करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और ये भी मैं साफ़ कर देता हूँ, और ये ओके हो गया है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।